बनाल को सोच के इस बात की खुशी हो रही है कि अब आया पहाड़ के नीचे ऊंट। बनाल को इस वक्त शदीद भूख लग रही होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे एक चम्मच खाने का नहीं देता। वो बार बार भूखों की तरह देख रही होती है उसका खाना खाते हुए। उसे कहती है प्लीज़ मुझे एक निवाला दे दो। तो आगे से उसका शौहर कहता है जाओ किचन में रखा है सब कुछ बना लो अपने लिए। तो आगे से कहती है मुझे बनाना नहीं आता खाना, मैं कैसे बनाऊँ जाके। तो फिर उसका शौहर कहता है ऐसा करो भूखी मर जाओ। अजलाल का बाप मलिक सिराज इस वक्त आ जाता है शाहवेज़ के घर और उसकी माँ को जैसे ही देखता है उसे कहता है ओ तुम लोगों से तो मेरा पुराना रिश्ता है। तो शाहवेज़ अपनी वालदा की तरफ देखता है उसे पूछता है कैसा रिश्ता क्या कह रहे हैं ये गॉल फॉल जाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। इसरार आगे से कहता है तुम्हारी वालदा ने तुम मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, जब मैं चला जाऊँ तो इसे तफसील से पूछना कि मैं हूँ कौन। शाहवेज़ अपनी वालदा से पूछता है जिद करता तो उसकी वालदा उसके मुँह पर थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है खबरदार तुमने इस बारे में मुझसे कोई एक बात भी की तो। तो शाहवेज़ कहता है ऐसा करता हूँ मैं खुद ही चला जाता हूँ मलिक जलाल के घर, उससे खुद ही पूछ लेता हूँ कि असल माजरा क्या है। तो उसकी वालदा उसे समझाती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और फिर उसे तफसील से अपनी सारी कहानी बताती है, क्योंकि जो शाहवेज़ का बाप है वो इसी ने कत्ल किया होता है। जब हमने पहली एपिसोड देखी थी तो जिस तरह से शाहवेज़ की वालदा देख रही थी हमें समझ लग गई थी कि इसका कोई पुराना ताल्लुक है मलिक जलाल के घर वालों के साथ। शाहवेज़ अपनी वालदा को कहता है तो आपने कैसे बख्श दिया मेरे बाप के कातिलों को, आप एक लॉयर भी थी। तो आगे से उसकी वालदा कहती है मेरे लिए दरमियान में तुम आ गए थे, जब तुम बहुत छोटे थे तो तुम्हें अगवा कर लिया था इन्होंने, धमकियां दी थी कि अगर मैंने कुछ भी कहा अगर मैंने केस वापस ना लिया तो ये तुम्हें भी मार देंगे। तो मैं बीवी हार गई लेकिन एक वालदा जीत गई। जलाल को भी इस बात की खबर हो जाती है कि इनके साथ पुराने दुश्मनी है, तो वो कहता है अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। दूसरी तरफ अपने बाप के पास जाता है उसे कहता है आपने मुझे बताया ना कि आपके इनके साथ कोई पुरानी दुश्मनी थी, अब तो बहुत मजा आएगा। तो उसके बाप उसे कहता है कि तुम इस वाक्य से दूर रहोगे, मैं खुद ही सारा केस हैंडल करूंगा। शाहवेज अपनी वालदा के पास आते उसे गले लगाता है ईशा के कहने पर, क्योंकि उस वक्त बहुत दुख में होती है। शाहवेज़ की वालदा के सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं मलिक इसरार को देखने के बाद। पूरा दिन गुजर जाता है, मनाल को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जब उसका शौहर उस सैंडविच खा रहा होता है तो पीछे से एक सैंडविच बच जाता है, तो मनाल भूखों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है जैसे कोई भूखा हो, ठूस ठूस के खाने लगती है। इतने में आ जाती है शाहवेज़ की मंगेतर, वो ईशा को देखते ही ईशा पे गुस्सा करने लगती है और उसे धक्के मार के घर से निकाल देती है। ईशा को वार्निंग देती है कि तुम अगर मुझे दोबारा इस घर में नजर आई तो तुम्हारी खैर नहीं है, और साथ में नौकरानी को भी समझा देती है कि तुमने इस बारे में किसी को बताना नहीं है। जैसे ही शाहवेज़ और शाहवेज़ की वालदा घर वापस आते तो ईशा के बारे में पूछते हैं, तो वो आगे से कहती है वो चली गई, मैंने तो उसे देखा था, मैंने उसे कहा था रुक जाओ लेकिन वो रुकी नहीं और चली गई। तो शाहवेज़ को उसी वक्त धचका लग जाता है, उसे पता लग जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो फौरन से अपनी नौकरानी को बुलाते हैं उसे पूछने कि क्या हुआ है, तो वो बताती नहीं है। लेकिन जब उसे गुस्से में पूछा जाता है तो वो सब कुछ बता देती है किस तरह से इसने धक्के दे दे के ईशा को निकाला था। तो इस वक्त शाहवेज़ को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मंगनी तोड़ देता है। ईशा जो कि रात के अंधेरे में जा रही होती है, देखें कैसा वो होता है कि आगे से अजलाल की गाड़ी किसके साथ टक्कर लगती है और अजलाल कहता है आ जाओ मेरी जान आ जाओ मेरे पास। वो अपनी जान बचाते हुए अपने दोस्त के घर जाती है और वहाँ पे मदद मांगती है, तो दोस्त उसे अपने घर में रहने के लिए इजाज़त दे देती है। हॉस्टल में पहुँच जाता है शाहवेज़ भी, लेकिन शाहवेज़ को अभी तक पता नहीं चलता।